हाय फ्रेंड्स, हमने इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था, फिजियोलॉजी का इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम और उसकी ग्लैंड की सिचुएशन, कहाँ कहाँ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद हमने हार्मोन के नाम, सारे हार्मोन, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं सारे, उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। कुछ ऑर्गन से भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम को पूरा स्टडी कैसे किया जाए। अगर ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड कैसे स्टडी करेंगे हम, हार्मोन्स के कैसे स्टडी करेंगे, और अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ डिसऑर्डर होता है तो वो हम कैसे पता करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं उसमें, तो पूरा ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडोक्राइन सिस्टम का हम बेसिक देख रहे हैं अभी, तो बेसिक नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा, तो हम इंडोक्राइन सिस्टम का पूरा बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी हम किन पॉइंट में किन चीज़ों कैसे करते हैं, मतलब कि। तो पहले देखते हैं फंक्शनल एनाटोमी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनल एनाटोमी में हम क्या क्या देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड्स की सिचुएशन क्या है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, टिश्यू वगैरह, फिर उसका ब्लड सप्लाई देखते हैं, फिर उसका नर्व सप्लाई देखते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक बता रहे हैं तो बेसिक चीज़ें ही है, ठीक है। तो फंक्शन, हार्मोन सीक्रेट बाय द ग्लैंड्स, मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट करना होता है, ठीक है। फिर इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी देखें तो हाइपर एक्टिविटी, मतलब ग्लैंड की, ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लग जाएगी तो उसको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्लैंड से हार्मोन कम सीक्रेट हो रहे हैं, ग्लैंड कम वर्क कर रही हैं, तो उसको हाइपो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ग्लैंड से, अब स्टडी हार्मोन की स्टडी देखते हैं, ठीक है। वो जो हार्मोन होते हैं उनकी स्टडी कैसे करते हैं हम, हार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो हार्मोन की स्टडी कैसे करते हैं तो वो देखते हैं हम। तो पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ सिक्रेशन, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री देखेंगे, उसकी हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है, हार्मोन की हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म देखेंगे, उसका एक्शन देखेंगे, उसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन देखेंगे, ठीक है। फिर इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम देखते हैं इसके हार्मोन्स की, कि अगर हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, कम सिक्रेट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइपो सिक्रेशन, ठीक है। फिर हम इंडोक्राइन डिसऑर्डर, अगर ग्लैंड से कोई डिसऑर्डर हुआ है तो वो कौन कौन से पॉइंट में पड़ते हैं हम, कॉजेस किस वजह से हुआ है, मतलब इंडोक्राइन डिसऑर्डर, वो वजह जानने की कोशिश करेंगे हम पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो वजह कोई सी भी हो सकती है, मतलब कि अगर हाइपर एक्टिविटी है ग्लैंड की तो हाइपर सिक्रेशन होगा, ठीक है, और हाइपो एक्टिविटी है ग्लैंड की तो हाइपो सिक्रेशन होगा, ठीक है। अगर ग्लैंड ज़्यादा वर्क कर रही है तो ज़्यादा सीक्रेट होगा ना हार्मोन, वो कम कर रही है तो कम सीक्रेट होगा, ठीक है। इसके साइन में, मतलब कि अब साइंस संकेत क्या क्या है, अगर पेशेंट में हम खुद, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या क्या डिजीज है, हम खुद फिजिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट के अंदर के साइन उसमें क्या क्या है, जैसे कि अगर उसमें पीलापन है, मुकोसा मेम्ब्रेन में पीलापन है तो उसको जॉइंटिस हो सकता है, और पेनलेस एनीमिया हो सकता है, लीवर इनलार्जमेंट है, लीवर बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे हम चेक करेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब उसके सिम्टम क्या क्या हैं, तो सिम्टम क्या है वो बताएगा अपने को, कि पेशेंट बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, उसको फीवर है, इचिंग है, स्वेलिंग है, ट्यूमर है, कपकपी हो रही है, ठीक है, एक्सेट्रा। सिंड्रोम क्या होता है, साइन और सिम्टम दोनों अगर मिक्स कर मिल जाए तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया पूरा बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो हम कल से हार्मोन देखेंगे, हार्मोन का पूरा हम इंडोक्राइन सिस्टम पूरा बेस से देख रहे हैं, पूरा क्लियरली पूरा इंडोक्राइन सिस्टम हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।